हाय गाइस, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट डेडलॉक कि डेडलॉक होते क्या हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. अब सी, डेडलॉक इज अ स्टेट बिटवीन टू और मोर प्रोसेसेस इन विच दिस आर कंपीटिंग फॉर द सेम अदर्स ईच अदर्स रिसोर्सेज फॉर कंप्लीटिंग देयर टास्क एंड नो वन इज रेडी टू लीव द रिसोर्स. दैट मीन्स वेटिंग फॉर ईच अदर विच कैनॉट अकर. अब देखो, अब इन्होंने क्या कहा है, सपोज इसकी ना मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ. अब तुम्हारे पास क्या है, एक टॉफी है, और तुम्हारे पास तीन लोग हैं उस टॉफी को खाने के लिए. ठीक है, अब तीन लोगों में से किसको दोगे वो टॉफी, देनी पूरी पूरी है. ठीक है, अब वो तीन लोग, वो कहेगा मुझे दे दो, ए बी कहेगा मुझे दे दो, सी कहेगा मुझे दे दो. तो अब इस हिसाब से तो किसी को नहीं जाएगी, वेट करेगा कि कोई एक तो सेक्रीफाइस कर दे उसके लिए. ठीक है, सो ये चीजें है. तो ये सेक्रीफाइस जो है, मतलब ये अब कोई सेक्रीफाइस नहीं करेगा, राइट. अब वो वेटिंग स्टेज पे आ जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं, डेडलॉक. ठीक है, ये जो है हमारा डेडलॉक होता है. अब देखो ये करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं डेडलॉक के क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ कितने करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. इसके चार करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट. ठीक है, अब देखो पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन पढ़ते हैं. म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या है, द रिसोर्सेज हैज एलोकेटेड टू द ओनली वन प्रोसेस. दैट मीन्स देयर शुड बी वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन द रिसोर्सेज. मतलब रिसोर्सेज नॉन श्योरेबल हैं. डेडलॉक के करेक्टरिस्टिक नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि सपोज कि तुम्हारे पास, उन्होंने कहा है कि डेडलॉक की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि रिसोर्सेज एक को ही एलोकेट होने चाहिए. ऐसे नहीं कि रिसोर्स जो है वो मल्टीपल इंस्टांस वाला है, तो एक किसको दे दिया, किसको दे दिया, है ना, उसके पास दो चीजें पड़ी हुई है उसी की कॉपी, एक किसको दे दिया, उसको दे दिया. नो, एक ही पर्सन को रिसोर्स जो है वो श्योर होना चाहिए, तभी डेडलॉक होगा. ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन है. ठीक है, नेक्स्ट इज होल्ड एंड वेट. होल्ड एंड वेट, अब जैसे मैंने टॉफी की एग्जाम्पल दी थी, वो होल्ड कर लेगा टॉफी को और वेट करेगा. ठीक है, अब ऐसे डेडलॉक में होता है, होल्ड एंड वेट, द प्रोसेस इज होल्डिंग द रिसोर्सेज एंड वेटिंग ऑन सम अदर रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली विच इज बीइंग हेल्ड बाय अदर रिसोर्सेज. सपोज अब ये तुम्हारा कोई भी रिसोर्स है, अब इसने ए को देना, उसने कहा द प्रोसेस इज होल्डिंग द रिसोर्स, ये होल्ड कर रहा है रिसोर्स को. ठीक है, एंड वेटिंग ऑन सम अदर रिसोर्स, अब बी को भी चाहिए. ठीक है, बी को चाहिए, अब वो क्या वेट कर रहा है, सो ये होल्ड एंड वेट पे आ जाता है साइमल्टेनियसली विच इज बीइंग हेल्ड बाय द प्रोसेस. ठीक है, तो ये होल्ड एंड वेट पे सारा प्रोसेस जो है वो आ जाएगा. अब नो प्रीएम्पशन, द रिसोर्स हैज टू बी रिलीज वॉलेंटरली. प्रीएम्पशन क्या होता है कि जबरदस्ती नहीं करनी उस रिसोर्स के साथ, कि उस रिसोर्स को ऐसे सीधा ही नहीं लेके आ जाना. ठीक है, इसको खींचा था नहीं करो और ले आओ. नो, जो रिसोर्स है जैसे ए ने लिया हुआ, अगर ए वॉलेंट्रली रिलीज कर देता है, अपने आप रिलीज कर देता है, तो बी ले लेगा उस रिसोर्स को. ठीक है, तो ये चीज है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम फोर्सफुली प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते उस रिसोर्स को. ठीक है, फोर्सफुली नहीं ले सकते उस रिसोर्स को. ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है वो हमारा है सर्कुलर वेट. सर्कुलर वेट में क्या है, the process are waiting circularly on each other for the resources. अब processes जो है वो wait कर रहे हैं एक दूसरे के लिए. ठीक है, resources के लिए wait कर रहे हैं. So ये सारी चीजें हैं. अब देखो resource allocation graph जो है ये बनाया जाता है. ठीक है, resource allocation graph हो गया. ठीक है, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं. अब देखो, अब ये इसमें क्या क्या चीजें हैं, रिसोर्स को कैसे एलोकेट करना है, ये सारी चीजें हमें बताई गई हैं यहाँ पे. दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड.